प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं रोजगार मंत्री ओपी सिंह ने तीन कृषि अध्यादेशों को लेकर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है और वो अध्यादेशों के बहाने किसानों को भड़का रहे हैं। योजना बढ़ाई है जिनको लेकर विपक्ष किसानों में एक भ्रम फैला रहा है, और क्योंकि विपक्ष के पास कोई और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, तो किसान का सहारा ले रहा है। और हमारी जो योजना है इसके हिसाब से किसान की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। किसान की आय को बढ़ाने के जो कदम है उनके अंदर ये एक बड़ा। ओपी यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन विपक्ष किसानों के सहारे अपनी राजनीति करने में जुटा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि किसान को भड़काकर विपक्ष एक सहारा ले रहा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो किसान का सहारा लेकर किसान के नाम से इस बात को भड़काना चाह रहे हैं। लेकिन किसान समझता है और अल्टीमेटली जब उसके हित की बात है तो उसको समझेगा और विपक्ष के। ओपी यादव ने ये भी कहा कि हरियाणा का किसान भली भांति अपने हितों को समझता है, इसलिए वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाला है। सरकार ने किसानों को तीन कृषि अध्यादेशों के बारे में पूरी जानकारी दी है और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर गोष्ठी और प्रचार किया गया है। बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर विज्ञापनों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से किसान तक इस अध्यादेश का जो इसका जो मजबून है, इसके जो हानि और लाभ है वो किसान तक पहुंचाने का काम किया है और करने लग रहे हैं। आपको बता दें कि ओपी यादव आज यानी बुधवार को चंडीगढ़ में थे, जहां उन्होंने कृषि अध्यादेशों को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई, तो वहीं उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।